ये जिस तरतीब आपके सामने बात आई, लेकिन बाद में आने वाले आइमा उनका क्या, उनका इतिहास वो किस लिए हमारे लिए दलील शरीह हम नहीं मानते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो 150 में जिनकी वफात, फैज़ान सुबरी जो 179 में जिनकी वफात, और इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी जो 204 हिजरी में वफात, और इमाम अहमद बिन हम्बल जिनकी वफात 241 हिजरी, ये तो बहुत बाद की है। उनकी बात हम क्यों माने, क्यों इनके इतिहास को, क्यों इनके इतिहाद को हम माने, ये बात हमें सही लगती नहीं। वो कहते हैं हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसको भी आप मिसाल से समझें कि कुरान व सुन्नत और इजमा के बाद आखिर क्या के शरीर की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको भी आप मिसाल से समझेंगे। कि दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल जानवरों का जिक्र कर दिया है कुरान में, अहदीस में भी आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बकर गाय आपके लिए हलाल है, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान कर दी कि बकर आपके लिए हलाल है। लेकिन अरबी में भैंस को जामूस कहते हैं, बकर नहीं कहते। तो जामूस की हिल्लत के लिए अब ना कुरान में कोई दलील है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में दलील है, और ना ही इजमाए सहाबा व ताबीईन में कोई दलील है। तो अब यहां जरूरत पड़ गई, हमने पूछा माहिरीन शरीयत से, जो चार इमाम मुज्तहिद हैं और सीनियर हैं, जिन्होंने मसाइल शरिया को मुदव्वन लिखवाया किताबी शक्ल में तदवीन कराया, वो सिर्फ चार मुज्तहिदीन तो उम्मत में बहुत हैं, लेकिन चार को ऐसा शर्फ हासिल है कि उन्होंने बितफसील मसाइल को किताबी शक्ल में मुदव्वन यानी लिखवाया है। हमने उनसे पूछा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह, इमाम मालिक बिन अनस मदनी से, तो उन्होंने कहा कि ये जी जामुन जो है नौ मिनल बक, ये गाय की एक किस्म में से है, लिहाजा ये भी हलाल है। उन्होंने यहां क्यास किया और नजीर वही इल्लतें और वही ली जो बकर के बारे में आप सल्लम ने फरमाई। तो इसको और मिसाल से समझें कि पीने वाली चीज में मक्खी पड़ गई है, अब पानी पाक है या ना पाक है, हमने अल्लाह के कुरान से पूछा हमारा मसला हल करें कि पानी में अब मक्खी पड़ी हुई है, हम इसको पाक समझें या नापाक समझें। तो अल्लाह के कुरान की 30 पारे पढ़ लें, आप 30 पारे पढ़ लें, वहां आपको इस मसले का हल नहीं मिलेगा। इसी तरह हमने नबी पाक सल्लम की सुन्नत को दूसरे नंबर पर दस्तक दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जवाब वाली रिवायत बयान की, पूरे शास्त्र में मौजूद है। आप सल्लम ने फरमाया कि मक्खी जब पानी में पड़ जाए तो फरमाया इसको गोता देके बाहर निकाले, पानी पाक भी है और ना पाक करने वाला भी है, और फरमाया गोते देने की हिकमत भी बयान की। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी एक पर में शिफा रखी है और एक पर में बीमारी रखी है, या कभी जब भी गिरती है तो बीमारी वाला पर लगाती है। तो फरमाया कि इसको आप गोता देके बाहर निकालें ताकि शिफा वाला पर लग जाए, अब पानी पाक भी है और पाक करने वाला भी है। ठीक है, हमारे पानी में मक्खी जब पड़ी तो हमें इसके जो हल है कुरान के बाद नबी की सुन्नत ने दे दिया, लेकिन अगर पानी में मच्छर पड़ जाए, डेंगू पड़ जाए, जुगनू पड़ जाए, भेड़ पड़ जाए, सैकड़ों ऐसे हशरातुल अर्ज हैं इसी कबील के हैं, अगर वो पड़ जाए तो अब ऐ अल्लाह का कुरान तू बता पाक है ना पाक है, ऐ नबी पाक सल्लम की सुन्नत तू बता पाक है यह ना पाक है। अब ये दोनों दलाल जो है ना खामोश है, ऐ इजमाए सहाबा आप बताएं, तो वहां भी कोई दलील है नहीं है। हमने माहिरीन शरीयत से पूछा, फिर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से, फुकहा से, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने वही जुबाब वाली रिवायत को सामने रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुबाब मक्खी का हुक्म बयान किया ये तो ओपन था, वाज़ेह था, लेकिन दर हकीकत जिस कैटेगरी की ये जवाब है इसी कैटेगरी के जितने दीगर हशरातुल अर्ज हैं वो इसी जमरे में है, लेकिन उनका नाम ओपन नहीं है। तो यहां उन्होंने इसी हदीस से दलील ली, नजीर ली, इज्तिहाद और क्यास किया और फरमाया देखा कि मक्खी के अंदर दमे मसहू नहीं है, इनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं करता रगों के अंदर, इनका खून रगों में गर्दिश नहीं करता, ये जामद खून होता है, ये साइंस पढ़ने वालों को मालूम है।
उन्होंने देखा जब इसमें